जय जिनेंद्र, आज हम जहाँ खड़े हैं वह जगह स्थित है भारत के मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में। इस जगह का नाम है सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी। आइए तो बिना किसी देरी के हम और आप इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना शुरू करते हैं। जिस द्रोणगिरी की हम और आप अभी वंदना करने वाले हैं उसे भैया भगवती दास जी ने अपनी निर्वाण कांड भाषा में भी याद किया है। वहाँ कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। फलहोड़ी बड़ग्राम अनूप पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए वंदो नित तहाँ। वहाँ पर भी इस सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि को याद किया गया है जहाँ से गुरुदत्तादि मुनीश्वर को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। क्या आपको पता है इसे द्रोणगिरि क्यों कहते हैं अथवा द्रोणगिरि का मतलब क्या है? तो आइए हम जानते हैं। द्रोणगिरि दो शब्दों से मिला है, द्रोण और गिरि। द्रोण किसे कहते हैं? वह क्षेत्र अथवा वह स्थान जो नदी से घिरा हुआ हो। नदी से घिरे हुए क्षेत्र को द्रोण कहते हैं क्योंकि इस द्रोणगिरि पर्वत में दो नदियां बहती हैं और यह नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है और इस नदी से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण यह पर्वत होने के कारण इसे द्रोणगिरि कहते हैं। यह सिद्ध क्षेत्र है अर्थात गुरुदत्तादि मुनीश्वर ने यहाँ से सिद्धत्व की प्राप्ति की है। चुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी ने इसी द्रोणगिरि पर्वत को लघु सम्मेत शिखर की उपमा भी दी है। हम यहाँ पर ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ कुल मिलाकर तीन टोंक हैं। उन तीन टोंक की वंदना करें उससे पहले क्या आपको पता है कि इस सिद्ध क्षेत्र पर मात्र गुरुदत्त मुनिराज को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई बल्कि गुरुदत्त मुनिराज के साथ साथ 8.5 करोड़ मुनिराजों ने इस द्रोणगिरि पर्वत से निर्वाण की प्राप्ति की है।
आप ये जो पीछे गुफा देख रहे हैं, ये मुनिराज गुरुदत्त स्वामी की साधना गुफा है। इसी गुफा में बैठकर मुनिराज गुरुदत्त आत्म साधना में लीन रहते थे। इस द्रोणगिरी पर्वत पर दो गुफाएं हैं। एक पहली वो गुफा है जिसके अभी हमने दर्शन किए और दूसरी वो गुफा है जिसके अभी हम दर्शन करेंगे। अब ये दो गुफाएं क्यों हैं? इसका भी कारण है। पहली वो गुफा है जहां गुरुदत्त मुनिराज ध्यान लगाया करते थे, आत्म स्वभाव में लीन हो जाया करते थे
और दूसरी वो गुफा है जहां से उन्होंने सिद्धत्व की प्राप्ति की अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की। क्या आपको पता है कि भगवान गुरुदत्त उपसर्ग केवली हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था। अब क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी में। बात है हस्तिनापुर की, जहां राजा विजयदत्त अपनी रानी विजया के साथ सुख और संपन्न पूर्वक रहा करते थे। कुछ दिनों बाद उनके गुरुदत्त नामक पुत्र हुआ। राजा विजयदत्त धर्मशील थे, अतः उन्हें कालांतर में वैराग्य आया और वे महादिगंबर मुनिराज बन गए। संपूर्ण राज्य का भार अपने पुत्र गुरुदत्त को उन्होंने सौंप दिया। एक बार क्या हुआ कि गांव के सभी लोग भागते भागते और दौड़ते दौड़ते राजा गुरुदत्त के पास आए। कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक गुफा में एक शेर रहता है और उस शेर से संपूर्ण गांव वाले, संपूर्ण नगर के लोग भयाक्रांत बने रहते थे, न जाने कब क्या घटित हो जाए। चूंकि राजा गुरुदत्त एक राजा थे और राजा का एक धर्म होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना, तो उन्होंने प्रजा की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ उस गुफा पर गए। उस गुफा को उन्होंने बाहर लकड़ी से बंद कर दिया और उस संपूर्ण गुफा में लकड़ी से बंद करके आग लगा दी और वह शेर वहीं मर गया। कालांतर के बाद राजा गुरुदत्त को भी वैराग्य आया और वे महादिगंबर मुनिराज बन गए। जब वे मुनिराज बन गए तो वे धीरे 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 उनका विहार हुआ। अब कहाँ हुआ विहार, आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। वह जो शेर था जिसको राजा गुरुदत्त ने आग लगाकर जला दिया था, वह शेर मर करके कपिल नामक ब्राह्मण हुआ। एक बार वह अपने खेत पर गया तो वह देखता है कि एक मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है। अब ये कौन है मुनिराज, ये मुनिराज है मुनि गुरुदत्त। चूंकि वह ब्राह्मण देखता है कि मुनिराज आत्म स्वभाव में लीन है, अपनी साधना कर रहे हैं, तो वह अपने इस खेत को छोड़कर दूसरी खेत की ओर चला जाता है और मुनिराज से ये कह जाता है कि अगर मेरी पत्नी खाना लेकर आए तो उसे कह देना कि वो दूसरे वाले खेत पर है। क्योंकि मुनिराज तो मुनिराज है, वे किसी के वश में नहीं होते, वे अपने आत्म स्वभाव में लीन रहे। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण के लिए भोजन लेकर आई। जब वह भोजन लेकर आई तो वह अपने पति को खेत में नहीं देखती है। मुनिराज से भी उसने पूछा कि क्या आपने मेरे पति को देखा है, वे भूखे होंगे। और मुनिराज तो अपने आत्म स्वभाव में लीन थे, वे किसी के अधीन नहीं है, वे किसी के प्रश्न का उत्तर दें ये जरूरी नहीं है। वे उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया और आत्म स्वभाव में लीन रहे। चूंकि वो पत्नी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो वापस घर चली गई। ब्राह्मण जो पूरे दिन भर भूखा था, वो भूखा घर लौटता है और अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाता है, मैं दिन भर काम करता रहा और तुझे भोजन की सुध नहीं रही, तू मुझे भोजन भी नहीं दे सकती। ऐसे नाना प्रकार के उसने ताड़ना दी, उस पर आरोप लगाए, उसको डांटा और फटकारा। वह पत्नी कहती है कि इसमें मेरा क्या दोष, मैं तो खेत पर गई थी, मैंने तो वहां देखा कि मुनिराज लीन है, मैंने उनसे पूछा भी परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसमें मेरा क्या दोष। वह ब्राह्मण चूंकि भूखा था, उसने पत्नी पर भी गुस्सा किया था, अब वो और गुस्सैल हो जाता है कि एक तो मैं उनकी वजह से दूसरे खेत पर गया, उनको बोल कर गया और उन्होंने पत्नी से इतना सा नहीं कहा। मुनिराज गुरुदत्त इस ध्यान गुफा में आत्म स्वभाव में लीन थे। उस ब्राह्मण के चूंकि पूर्व भव के संस्कार थे, उसने भी मुनिराज को कपास से लपेटा, पूरे शरीर को कपास से लपेटने के बाद उसमें गुफा को बंद किया और पूरी गुफा में आग लगा दी। मुनिराज आत्म स्वभाव में और लीन होते गए, और लीनते होते गए, शुक्ल ध्यान पूर्वक उन्होंने देह त्याग की। और हुआ क्या, यहाँ तो उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, वे वीतरागी बन गए, वे सर्वज्ञ बन गए, वे अरहंत बन गए, अब वे मुनि नहीं रहे, वे मुनि से तीन लोक के नाथ बन गए। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। जब भगवान गुरुदत्त का केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, सर्वज्ञ को प्राप्त हुए, तो उनका समव शरण भी लगा। उस समव शरण को देख करके, अर्थात हम कहें गंधकुटी आदि को देख करके, उनके उपदेश को सुनने के लिए वह ब्राह्मण भी आया। उस ब्राह्मण को ये रियलाइज हुआ कि उसने जो किया वह ठीक नहीं था। अब यहाँ देखिए, वह पापी ब्राह्मण जिसकी कथा सुनकर आपको क्रोध आ रहा होगा, कालांतर में वही ब्राह्मण भगवान गुरुदत्त की देशना को सुनकर उन्हीं के समव शरण में, उन्हीं के निमित्त से मुनिराज बन गया और उसने भी केवल ज्ञान की प्राप्ति की। देखिए कहां तो एक समय का पापी जीव और कहां अब वह पापी जीव भगवान बन गया।
इस प्रकार से ये कहानी है। आइए तो अब बिना किसी देरी के हम उस गुफा की ओर चलते हैं जहाँ से मुनि गुरुदत्त भगवान गुरुदत्त बने थे और वे उपसर्ग केवली के रूप में जाने जाते हैं। Yeah।
इस प्रकार हमारी ये वंदना सानंद संपन्न हुई। आशा करता हूँ कि आपने भी भावपूर्वक वंदना जरूर की होगी। तो आप जल्दी से अपना प्लान बनाइए और द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए अवश्य आइए। जय जिनेंद्र।